इससे पहले जो सवाल पूछा गया उसका जवाब पूरा शायद नहीं आया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 970 किलो वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे जो है वो चाइनीज आर्मी ने ऑलरेडी कब्जा कर रखा है, वहाँ क्यों नहीं एक्शन होता, वहाँ क्यों नहीं बात होती। तो क्या ये बात इसमें कितनी सत्यता है कि 970 किलोमीटर एरिया में चीन ने कब्जा कर रखा है, और क्या उस सिलसिले में गवर्नमेंट की पॉलिसी लेवल पे क्या कुछ इस तरह का आप कुछ रोशनी डाल पाएंगी? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जब उनके पास हैदराबाद की नाकामियों का जवाब ना हो तो निश्चित रूप से वो इस प्रकार का प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, ये जानते हुए कि भारत की सरहद पर भारत की फौज इतना दम रखती है कि दुश्मन देशों को वो बराबर हिंदुस्तान की ओर से जवाब दे सके। आज जो मैंने आपसे प्रश्न इस पूरी प्रश्नावली और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखा वो ये कि एक तरफ हमारे देश की सरहद पर हमारी फौज लड़ रही है ताकि दुश्मन देश हमारे देश को कोई हानि ना पहुंचाए, दूसरी ओर इस शहर में, ऐतिहासिक शहर में, MIM के अपने पॉलिटिकल नेता और वर्कर्स इलीगल इमिग्रेंट्स को वोटर लिस्ट में जगह दे रहे हैं। अंदर से जो घात हिंदुस्तान का वो कर रहे हैं उसका जवाब हिंदुस्तान की आवाम को, हैदराबाद की आवाम को उन्हें देना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैंने कही कि आपने 35,000 परिवारों को डेल्यूज के वक्त संघर्ष के लिए अकेला छोड़ दिया, 80 लोग मर गए और अब तक प्रदेश की सरकार ने अपना फाइनल मेमोरेंडम नहीं दिया। क्या इस प्रदेश में और विशेषतः इस शहर में यह संभव है कि डेल्यूज का एक बहुत बड़ा कारण है इलीगल इंक्रोचमेंट? वो 75,000 इलीगल इंक्रोचमेंट बिना MIM और TRS की जुगलबंदी के क्या यह संभव था? तो आज अगर शहर को आपको विकास के पथ पर डालना है तो आपको सुनिश्चित करना होगा कि क्या ये शहर के साथ नाइंसाफी नहीं कि गरीब बच्चों का टीकाकरण ना हो, उसकी कोई एक्टिविटी अंडरटेक नहीं होती? क्या इस शहर के नौजवानों के साथ ये नाइंसाफी नहीं कि TRS के उनके मित्र संकल्प कार्यक्रम के लिए अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तक नहीं देते? तो मैंने जो आज अपने इस पूरे वक्तव्य में कहा दोबारा दोहराती हूं, एक कन्वीनियंट करप्ट कोलैबोरेशन है MIM और TRS के मध्य में। हैदराबाद की जनता उस कन्वीनियंट करप्ट कोलैबोरेशन को समझती है और इसीलिए हम इस बात का यहां पर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं कि हैदराबाद की जनता इस चुनाव में अपना आशीर्वाद भाजपा को देगी।